आफ्टर मैरिज ये इफेक्ट होता है, सबको सबको पता होगा। तो जो भी हो, मस्त सा वो बादल देखो आप, पूरा ब्लू ब्लू होके एंड वो लेक। सुबह 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 तो नहीं, एक्चुअली कल आया था, नहीं कल रात को आ गया था। जो वेदर हुआ है ना, हाय देखो कहाँ कहाँ से मेरा सब सामान मतलब भाग के उड़ के आ जा रहा है। फट गया है हाँ, इसको देखो कैसा हो रहा है। और ये सुबह 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 तो नहीं, एक्चुअली कल आया था, नहीं कल रात को आ गया। आराम से आराम, ये साइड में कट कर लो थोड़ा, फिर वो हो जाएगा इस दूसरी। हाँ बस फाइनली मेरा गुर्दे मिक्सचर खत्म हो गया था, मैं रो रही थी कि मैं कैसे खाऊं मिक्सचर। और भी बहुत कुछ है यार, ये क्या है? बच्चे रियांक के लिए भी आया है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चूड़ी चूड़ा भजा, ओके पोहा का फ्राइड वाला। हाँ। आज सुबह सुबह जो वेदर हुआ है ना, हाय देखो कहाँ कहाँ से मेरा सब सामान मतलब भाग के उड़ के आ जा रहा है। होने के लिए मन कर रहा है, अरे क्यों, कौन सा ये हो गया है, फट गया है कौन सा? वही चूड़ा भजा शायद, नहीं ये मिक्सचर है ऐसा। हाँ ये वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ ये वाला फटा है। इश ओके ओके ठीक है, बाकी निकाल लेते हैं, बहुत सारा इसमें पिकल वगैरह। अरे भाई पूरा फट गया है। हाँ वो फट गया है, रुको रुको वो मैं और एक ये पॉलिथीन के अंदर डालती हूँ। बहुत सारा सामान है इसमें, बाप रे क्या क्या है भगवान, सब पिकल वगैरह इस बार पापा ने बना के। ड्राई मैंगो पापा ने बनाए हैं, ठीक है। और ये हमें चाहिए होता है ना। हाँ, ड्राई मैंगो। और ये तंतुली क्या बोलते हैं उसको, इमली 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 है क्या? हाँ हाँ राइट राइट, इमली बोला था क्या आपने? हाँ बोला था। okay, और ये वाला, और एक ड्राई मैंगो, ड्राई मैंगो बट ये वाला थोड़ा सा खट्टा वाला है, खट्टा वाला। ये क्या है, ये रियांस का टॉयज है? रियांस का टॉयज है वो, क्या छोड़ के आ गया था क्या, पता नहीं भगवान। ये इस बार आचार ने पापा ने बनाया, ये मीठा वाला है खट्टा वाला? खट्टा वाला है, मीठा वाला। अच्छा मीठा वाला दो है यहाँ पर? हाँ मीठा वाला भी दो है, वो छोटा वाला एक, बड़ा वाला एक। एक भैया के लिए होगा शायद। हाँ भैया के लिए, हमारे लिए पूछने में पता चलेगा। भाई ये तो मिक्सचर लेकिन पूरा गिर गया है, वो क्या है फिर वो उसमें वो ये खट्टा आचार। ये बाप रे भगवान, ऑलरेडी हमारा इतना सारा पिकल है, कौन खाएगा? पिंकू आप क्यों बोलते हो, इतना सारा है ना। अच्छा उसका वो कलर वाला जो ब्लॉक बनाता है वो ना, तो छोड़ के आ गया था। अरे वो तो फिर जा रहा है यार, पापा ने क्यों भेजा? सब ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, प्लान तो था एक ही दिन लेने का क्योंकि आई के एस आने के बाद वैसे भी हम बहुत टायर्ड हो गए थे, फिर संडे भी रेस्ट मतलब कर नहीं पाए, वो जो मटन का प्लान बना। फिर मैंने सोचा था कि चलो मंडे, वैसे मेरा एडिटिंग का बहुत ज्यादा काम था, क्या का वीडियो का बहुत एडिटिंग का काम था, मंडे वो वाला वीडियो जाना था, तो रेस्ट तो नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ मतलब पीछे काम चल ही रहा था, बट मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो मंडे पूरा वैसे ही निकल गया। एंड ट्यूसडे कल मुझे मतलब जो घर का जितना भी काम था वो सब मैंने किया प्रॉपरली, क्योंकि तीन चार दिन से कपड़ा वॉश नहीं किया हुआ था, तो वो दो तीन फेज कपड़ा वॉश किया। एंड बाकी घर के मतलब आई क्या का जो सामान था वो भी वैसे लाके कार पे पड़ा हुआ था, वो सब लाया ऑर्गेनाइज करके वो रखा है, क्योंकि आज जो है मैं उसका हॉल वीडियो भी शूट करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने कल थोड़ा सा वैसे भी वाला रिलैक्स डे रखा था, क्योंकि आज मुझे पता था कि आज मुझे बहुत सारा काम करना है, यहाँ पे व्लॉग भी बनाना है, ऊपर से वो वाला हॉल वीडियो भी शूट करना है, तो ऐसे ही तो वही। एंड आज जाके ब्रेकफास्ट तो हो गया हम लोगों का, तो फिर पिंकू जाके चिकन वगैरह लेके आए हुए थे, एंड मैंने मैरिनेशन कर लिया है आज, एक्चुअली अलग सा एक मतलब बिरयानी नहीं बन रहा है, बट हाँ चिकन का एक उस टाइप का मैं कुकर पे एक बनाती हूँ पुलाव टाइप का, बहुत पहले आई थिंक मैंने रेसिपी शेयर किया था, बट अभी बहुत पुराना है, आई थिंक एक साल से भी ज़्यादा हो गया होगा वो वाला रेसिपी को, तो मुझे भी नहीं मिलेगा, तो आज मैं फिर से जो है बना रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद, तो मैंने सोचा कि चलो रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी। तो मैरिनेशन वगैरह करके चली गई थी, अभी नहा धो के आ गई हूँ, क्योंकि वो फटाक से बन जाता है, मतलब मैरिनेट होने में जो मतलब मसाला वगैरह रेडी करने में उतना में ही जितना टाइम लगता है, मैरिनेट करके फिर आप एक घंटा और दो घंटा रखोगे भी तो वो थोड़ा सा अच्छा होता है, जितना टाइम रख पाओगे, दो तीन घंटा भी रखोगे तो चलेगा, मिनिमम एक घंटा में रखती हूँ,
तो वो करके मैं नहाने चली गई थी। अभी जाके बस उसको बनाना है कुकर पे, एक सिंपल एंड बहुत टेस्टी यम्मी चिकन पुलाव टाइप का फटाक से बनता है, मतलब झटपट बनता है, आधा घंटे के अंदर बन जाएगा। तो वही तो वो बनाने जाऊंगी। तो चलो आप साथ साथ रेसिपी भी देखो, एंड पहले से जो मैंने मैरिनेशन किया था उसका भी मैंने क्लिप ले रखा था कि मैंने कैसे मैरिनेट किया है, वो भी देखो। एंड चलो वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। बट गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, आप हमेशा बोल रहे हो तो लाइक एक जरूर करना। एंड साथ साथ चैनल पे नए हो, पहला विजिट कर रहे हो, देन मैक्स और गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये वाला ब्लॉग। तो बनाना स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आप देख लो मैंने कैसे मैरिनेशन किया था। तो यहाँ पे मैंने लगभग 500 ग्राम चिकन लिया है, उसको अच्छे से जो है क्लीन करके फिर मैं यहाँ पे मैरिनेट कर रही हूँ। और उसमें मैं डाल रही हूँ नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, वो डाल दिया। फिर उसमें मैं लगभग 1 टीस्पून के आसपास मस्टर्ड ऑयल डालूंगी ताकि लाइक जो चिकन का रॉ स्मेल होता है ना वो ना रहे। एंड फिर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, बट उसमें मैंने 2 ग्रीन चिली एंड थोड़ा सा 1 टीस्पून मतलब जीरा डाल के उसको पेस्ट कर लिया था। और अगर आपको मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है तो आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर, एंड उसके बाद एवरेस्ट का जो चिकन मसाला रहता है वो भी कुछ लगभग लाइक 1 टीस्पून के आसपास। देन फिर यहाँ पे मैंने लिया है सन का एक बिरयानी मसाला, वो भी लगभग 1 टीस्पून के आसपास, ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे कर्ड, वो थोड़ा सा मैं ज़्यादा ऐड करूँगी, 2 से 3 टेबल स्पून के आसपास। वो सबको डाल के अभी मैं जो है सबको अच्छे से मिक्स करके लाइक अभी इसको ऑलमोस्ट 1 घंटा मिनिमम रखूँगी। एंड आप उसको जितना टाइम रखोगे, 2-3 घंटा रखोगे तो और भी अच्छा होगा, बट मिनिमम 1 घंटे के लिए ज़रूर रखना। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। मतलब मेरा मैरिनेशन हो गया है और लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। तो अभी मैंने कुकर ले लिया है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है, ज़्यादा भी नहीं, एंड लाइक 2 टेबल स्पून के आसपास। फिर थोड़ा सा शुगर डाल रही हूँ ताकि अच्छा कलर आएगा, एंड शुगर अभी कैरमलाइज्ड हो गया है। फिर इसमें मैं खड़े मसाले डाल दूंगी। तो पहले यहाँ पे मैं शाही जीरा ऐड कर रही हूँ, फिर थोड़ा सा जो होता है हमारा दालचीनी, 2 इलायची, 4-5 लौंग, 2 तेज पत्ता, एंड फिर एक मीडियम साइज का ऑनियन डाल के ये सबको अच्छे से मतलब थोड़ा सा भून लूँगी, जैसे कि जो ऑनियन है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। एंड बस उसके बाद जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था उसको डाल के, एंड कुछ भी नहीं करना है, ना इसको ढकना है ना कुछ करना है, बस हाई फ्लेम में, ऐसे भी नहीं कि लो फ्लेम करना है, बस हाई फ्लेम में आपको इसको भुनना है। मतलब अगर आप ढक लोगे ना तो मतलब वो चिकन जो है वो पक जाएगा, बट मतलब कुकर जब आप सीटी लगाओगे तो पूरा वो मतलब खोल जाएगा। तो वैसा कुछ नहीं करना है, बस आपको धीमी मतलब धीमी आँच भी नहीं करना है, हाई फ्लेम में बस ऐसे करना है कि जो चिकन है वो फ्राई हो जाए ऑयल पर, बस उतना ही करना है। और जब आपको लगे कि अच्छे से जो मसाला हमने मैरिनेट किया था उसका जो कच्चापन का जो स्मेल है चला गया है, एंड चिकन भी थोड़ा बहुत भुन गया है ऑयल पे, तब उसी टाइम पे जो राइस आपको जो भी राइस पसंद हो अब वो वाला राइस डाल के फिर उस पर राइस के हिसाब से हम पानी डालेंगे। तो उसके टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक एंड धनिया पत्ता और कुछ भी नहीं, बस मेजरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल के जितना राइस आपने लिया है बस अच्छे से उसको मिक्स करके बस आपको 2 सीटी लगाना है हाई फ्लेम में और कुछ भी नहीं करनी है। एंड बस छोड़ देना है 15 मिनट के लिए, जब गैस निकल जाएगा फिर बस आप उसको निकाल लो एंड गर्मा गर्म लाइक सर्व करो। एंड देखना आप मुझे कमेंट में, अगर आप रेसिपी ट्राई करो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करना कि आपको कैसा लगा ये वाला रेसिपी। और गाइज आज लंच में आप देख सकते हो चिकन पुलाव एंड रायता। बहुत दिन के बाद ही हम लोग चिकन पुलाव खा रहे हैं ना, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद, बहुत टाइम से बना नहीं था। बिरयानी खा रहे थे, कहाँ पर बनाए थे? काडूगुड़ी में ही बनाए थे ना, काडूगुड़ी के घर में। वहाँ पे पहले भी बना रही थी जब हम वनवेश्यू में थे कुंदू नाली पे, तो इसलिए आज मैंने रेसिपी भी शेयर किया है। ओके। तो बोलो आप टेस्ट करके कैसा टेस्ट है, मैं पहले खुद टेस्ट करती हूँ नमक वगैरह ठीक है या नहीं। परफेक्ट है, बहुत दिन के बाद कुछ अलग खा के और कुछ अलग मजा ही आ रहा होगा। नहीं वो बिरयानी स्टाइल खा के, हाँ यहाँ पे इस टाइप का वो जो दोने बिरयानी मिलता है, दोने बिरयानी आज खा के सेम 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 चावल में ही बनाए हो क्या तुम? नहीं वो तो और भी छोटा होता है। हाँ। वो बहुत छोटा होता है, ये नॉर्मल है जो हमारा यहाँ पे मिलता है, क्या इसको क्या बोलते हैं यार ये चावल, सोना मसूरी। हाँ, राइट, सोना अच्छा बना, पूरा राइस परफेक्टली पहले कुक हुआ जितना होना चाहिए। चलो मैं, मेरा मुंह से पानी आ रहा है, इतना बात सुन के तुमसे मेरा मुंह से पानी आ रहा है, अभी खाने के लिए मन कर रहा है। हे गाइज, तो अभी हो गया मतलब इवनिंग हो गया है, मतलब होने वाला है इवनिंग, चार बजे
चार बजा है, लेकिन जैसा वेदर हुआ है ना तो लग रहा है कि मतलब इवनिंग हो गया है और खतरनाक वेदर हुआ है। एक्चुअली मैं सोने चली गई थी, मुझे उठा के लेके। एक्चुअली मैं सुबह से बात नहीं कर पाया था आप लोग से ठीक से, मतलब कॉल के ऊपर कॉल चल रहा था और एक इशू आ गया था उसके ऊपर काम कर रहा था, लंच के टाइम में भी बात नहीं हो पाया था, तो मैं इसलिए सोचा कि नहीं अभी थोड़ा बात करते हैं। इसको उठा के जबरदस्ती लेके आया हूँ और मेरे ऊपर गुस्सा है, मतलब तुम वीडियो में बात करोगे मेरे को लेके आओगे। ना हॉल वीडियो शूट करना था, मैंने सोचा भाई जो वेदर है छोड़ो हॉल वॉल रात को करते हैं या फिर कल कर लूंगी चलेगा, बट अभी चलो इतना मस्त वेदर है, खतरनाक वेदर है और मेरे को भी सोने के लिए मन कर रहा है, बट जो काम है ऑफिस का वो सोने नहीं दे रहा है मेरे को, हमें इतना ज्यादा काम है। हाँ जो बोलना आया था मतलब जो उठा के लेके आया हूँ, एक्चुअली आज मतलब जो लंच में बना था चिकन पुलाव, पुलाव नहीं क्या पता नहीं मेरे को, जो भी बना था खतरनाक बना था गाइस, तो मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलता हूँ कि मतलब भूल जाता है, ये पहले भी खाया है बट आज ये मुझे बोल रहे हैं तुम्हें ये कब बनाया, तुम बोल रहे हो बनाए थे, मैं बोल रही हूं भाई भगवान वीडियो दिखाऊंगी अभी ना, मतलब इतना गुस्सा आता। एक साल के पहले बना के अगर खिलाई होगी तो उसको कौन याद रखेगा भाई, अगर कंटिन्यूअसली खाना खाता तो मैं याद रहता। एक टाइम था जब हम कंटिन्यूअसली खा रहे थे तो वो एक साल पहले ना, फिर वो बोर हो जाओगे ना एक ही चीज, तो एक साल पहले का कौन याद रखता है, आजकल तो मेरे को दो दिन तीन दिन पहले का भी बात याद नहीं होता है, आफ्टर मैरिज ये इफेक्ट होता है सबको, सबको पता होगा। तो जो भी हो, लेकिन वो वाला जो पुलाव था चिकन पुलाव गाइस तो खतरनाक हुआ था, तो इसके लिए सौम्या को मतलब 100 out of 100 देना है मेरे को, मतलब ये इतना अच्छा हुआ था। इसका रेसिपी दे रहे हो क्या? तो इसका भी रेसिपी आपको मिल जाएगा, तो जाके आप लोग भी बनाना खतरनाक, मतलब चिकन का आइटम हम लोग क्या मतलब जो हर रोज वही चिकन ग्रेवी चिकन का कुछ अलग बना के उसके साथ राइस में खाते हैं, वो कुछ अलग था हटके था, मस्त लग रहा था, अभी इतना ही बोल सकता हूँ मस्त लग रहा था, आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो जरूर। कुछ बोलना है आपको? नहीं, बहुत मस्त वेदर है उसका, मैं भाई चल रही हूँ सोने के लिए, मतलब इतना थोड़ा सा बात करने के लिए आपको लेके आया था ना, अभी इतना गुस्सा करोगे मतलब अभी मन हो रहा है कि मस्त वाला आइसक्रीम ऑर्डर करें। नहीं 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 ये वेदर में आइसक्रीम ऑर्डर करोगे फिर कोल्ड को, ये कॉफी पी सकते हैं गर्मा गर्म कॉफी, ये वेदर में कॉफी पी सकते हैं। नहीं नहीं अभी कॉफी नहीं, अभी एंड देखो गाइस कितना मस्त वेदर हुआ है, और पिंकू ने तो मुझे आइसक्रीम खाने नहीं दिया तो इसलिए मैं खा रही हूँ यहाँ पे चॉकलेट डेरी मिल्क, मेरा ऑल टाइम फेवरेट। और वहाँ से अच्छे से पता नहीं चल रहा था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम भी चल रहा है ना, तो मैं आप लोग को यहाँ से व्यू दिखाती हूँ कि कितना मस्त सा वो बादल देखो आप, पूरा ब्लू ब्लू होके एंड वो लेक। एंड और एक चीज़ गाइस, ये वाला जो हमारा सामने का रोड था मेन रोड, ये आप देख सकते हो, मेन रोड तो नहीं है बट हमारा जो यहाँ पे लेन का जो रोड था ये मतलब कल ही जो है ये बन गया है, मतलब कितना नया एंड चकाचक, मतलब अभी चारों तरफ मतलब रोड बन रहा है, तो अभी अच्छा लग रहा है कि इतना दिन मेहनत करने के बाद वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ फाइनली कहीं पर तो हमारा रोड बना हुआ है, मतलब अच्छा लग रहा है अभी निकलने के लिए। शाम को हम मतलब थोड़ा निकल के वॉक वगैरह भी करना चाहें ना तो कर सकते हैं। और गाइस इवनिंग हो गया है और ये मैडम को अभी उठा दिया हूँ मैं, मतलब चाय बनाने के लिए थोड़ा बोला मैं कैसे हो रही है देखो नींद में है अभी भी नींद में है चाय बनाओ अरे जो वेदर हुआ ना गाइस, तो चाय और नहीं तो कॉफी तो बनता ही बनता है, क्या है नींद में क्या बोल रहे हो बहुत गहरी नींद में सोई थी एक्चुअली सोमिया, मतलब चलो अभी मतलब क्या खतरनाक हुआ है यार, क्या हवा आ रहा है, हवा तो आ रहा है, पानी आ रहा है, हाँ इसको देखो कैसा हो रहा है, चाय बन गया है, यस गर्मा गर्म चाय। और दिन पे अभी पिंकू को वो खा के चिकन पुलाव, अभी रात को बोल रहे हैं वो जो कंट्री चिकन अगर खाएंगे ना अभी बोल रहे हैं तो मजा ही आ जाएगा, फिर उन्होंने भैया को कॉल किया, वो मेरे साथ मजाक हो गया एक्चुअली, मैं जब भैया को कॉल किया मैं बोला थोड़ा कंट्री चिकन बनाएगा क्या, वो हंस के बोल रहे हा हा मैं तो दिन में खा लिया हूँ जो कंट्री चिकन, में बोला कितना अच्छा ही हुआ, इतना गुस्सा आ रहा अंदर से दीप बोल रहा है कि दिन में खा लिया हूँ बोल के। और गाइस ये वाला कप मैं बहुत दिन के बाद पी रहा हूँ एक्चुअली, चलो
और इनको देखो कहाँ पे घुसे हुए हैं, मतलब एक ही विंडो है, हम दोनों तरफ से खोल रहे हैं। मैं यहाँ पे आके इस साइड में खोल के बैठ गई, या के वहां से उस साइड से बंद करके खोल के बैठ गई। इतना मतलब ये इंसान है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, खतरनाक लग रहा है यार। मेरे को जो फील दे रहा है ना, मैं बयां नहीं कर पाऊंगा कि मेरे को क्या लग रहा है। क्या लग रहा है? लग रहा है कि मैं गोवा में हूँ, यहीं पर तो हूँ। मतलब ये नारियल का जो पेड़ है और यहाँ बैंगलोर पे ही हो, वो वही मतलब बहुत बड़ी बात है। तो चलो गाइस, बैंगलोर का यही तो मतलब सबसे बेस्ट पार्ट है ना, वेदर ही सबसे बेस्ट पार्ट है। कुछ जो भी आप रोड ले लो, कुछ भी ले लो, वो गंदा है, लेकिन वेदर इज ऑलवेज बेस्ट। हमारा रोड गंदा मत बोलना, अभी बन गया है हमारा रोड तो पूरा मस्त बन गया है। तो चलो गाइस, साथ साथ ये जो व्लॉग है यहीं पे, अरे एंड तो कर लूँ पहले, बाय बाय बोल दे रहा हूँ। ये जो व्लॉग है यहीं पे एंड करती हूँ, होप करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सामने नहीं आके कैमरा से पीछे बोल रहा है, मैं खाली ऐसे मुंडी हिला रहा हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं भी लगा है तो लाइक कर देना। बकवास इनका मत सुनो गाइस, अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना। सबसे चैनल पे नए हो, पहले विजिट कर रहे हो, देन मैक शो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय बाय।